हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अब तारीख रोड पे। यहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, आप तमाम हज़रात इन तमाम को जानते होंगे, हमारे बहुत ही अच्छी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मिस्टर फहद यूनुस साहब मौजूद हैं। तो सर अभी पीछे से अभी आए हुए थे कराची, हमने बोला आज फहद भाई को पकड़ना है, मीटर है फहद भाई का। फहद भाई बहुत थक चुके हैं, इनका पीछे जो है वो एक हफ्ते से यहाँ पर है और ये कहते हैं कि मुझे सोने को नहीं मिला। कराची तो पूरी रात जागता है वाले और ये रात भी जगाते हैं और दिन भी जगाते हैं, कह रहे हैं कराची वाले सोना नहीं दे रहे। थोड़ा सा चला तो हम फहद भाई का टाइम लेंगे तो हम चाहते हैं फहद भाई बताएं कैसा टूर रहा आपका। टाइम से पहले तो भाई आसिफ भाई आप लोगों की मोहब्बत प्यार का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं कि मैं दो जो है वो अपने बहुत प्यारे भाइयों के दरमियान में फंसा हुआ हूँ, हमने भी नींद खराब कर दी है। नहीं अगर कराची का टूर के तो डेफिनेटली पंजाब से यहाँ ट्रैवल करना और यहाँ बिल्कुल रूटीन से हट जाना, रात को सुबह बल्कि 4 बजे सोना और 8 बजे उठ जाना मैक्सिमम 8 बजे। बाद में कह रहे हैं कराची वालों की जो शाम होती है वो 12 बजे होती है, 8 बजे होती है। और कराची वाले इतना मुझे खिला रहे हैं, यकीन करें कि अगर आप देखें तो मेरा कराची वालों की आपकी मोहब्बत है। इसी तरह जो भी हमारे पर्सनैलिटी आएगी तो कराची वाले छोड़ेंगे नहीं, हम सबको खिलाएंगे सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी कराची के जो खाने हैं बड़े मजे के, कराची में थर्ड टाइम हूँ मैं, एक यहाँ हर साल एक चक्कर लाने लग जाता है और एक हफ्ते से ज़्यादा मैं आता नहीं हूँ यहाँ, लेकिन एक हफ्ते में जो है वो इतने मेकअप हो जाते हैं, इतना मज़ा आ जाता है कि घर जाके मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। आगे मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो एक महीने के लिए आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी मैं बहुत सारे मेकअप और बहुत सारे पॉइंट्स मिस करके जा रहा हूँ। तो यही कह लें, मतलब मेरे पास 24 घंटे, आपके पास भी हम सबके पास 24 घंटे, 24 में से जो है वो 3 घंटे नींद हो रही है, बाकी सारा टाइम से गुजर रहा है। रात को भी इवन जब हम रेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो हमें होस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ सबसे शुरू हो जाती है, फिर उनके साथ कराची के प्लेसेस, कराची का जो डिफरेंट मतलब किस्म के इन्वायरमेंट और कराची खासतौर पर पंजाब वालों को कहूँगा कि यहाँ पे यार इतना अमन हो गया अभी। आप खुद आए कराची और कराची आगे देखेंगे कराची में कितना इन्वाइट करें, कराची में आप कराची हैं, हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलेंगे, इंशाल्लाह हम लोग साथ बैठ के घूमेंगे फिरेंगे, बहुत अमन है, बहुत अमन हो चुका है और इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कराची को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि देखें कराची कितना बेहतरीन हो चुका है, कितना अच्छा हो गया है। और आपको एक और बात बता पर्सनल बात, अभी जो बंदा अभी कराची में आता है ना वो कराची वाला ही बन जाता है, मतलब यहाँ पे पानी लग गया था नहीं यार रेली या मतलब यहाँ पे इवन के ट्रैवलिंग भी बहुत है, थकन भी हो जाती है, लेकिन ये है कि कराची जब भी चक्कर लगता है तो मतलब दूसरा घर लगता है, फील नहीं होता है कि हम लोग जो है वो किसी आउट ऑफ सिटी बहुत शुक्रिया। फहद भाई कराची आए हैं तो एक प्रेजेंट हमने फहद भाई के लिए रखा था, हम प्रेजेंट फहद भाई को देते, ये एक प्रेजेंट है हमारे पास छोटा सा फहद भाई के लिए, हमने बस बनवाया, ये हमने बोला ये हमारे मेंटर हैं, हमारे क्रू हैं, हमारे से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, तो ये हमारे तरफ से फहद भाई के प्रेजेंट है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखें किधर कैमरा हमारा, ये फहद साहब है मेरी कहानी वाले, ओ मेरी कहानी वाले। अच्छा भाई साहब पिक्चर में मैं कितना खूबसूरत हूँ यार, रियल में वाले लोग हैं यार, बहुत गुड लुकिंग है फहद भाई आप। ये आप लोग मोहम्मद है और हम लोग तो इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप लोगों ने बुला लिया, आप लोगों ने जो है वो कमेंट्स लिए, बड़ा अच्छा लगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, चलते हैं इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।